नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। डे टू इन श्रीनगर, सुबह 9:30 बजे हमारे दिन की शुरुआत नाश्ते से होने वाली है। इस समय हम डल लेक से काफ़ी क्लोज डिस्टेंस पर नाश्ता करने के लिए आए हैं। सामने देख रहे हो आप कृष्णा वैष्णो भोजनालय, यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। आओ जी। कृष्णा, मैं आके ना मैंने अपने लिए आलू पराठा ऑलरेडी बोल दिया है। ये मेन्यू कार्ड है, इस तरफ को नॉर्थ इंडियन है और इस तरफ को साउथ इंडियन। इनके पास लंच और डिनर में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो पीछे की तरफ लिखी हुई हैं। मैंने पता लगाया है रेस्टोरेंट खुलता है सुबह 8 बजे, तो रात को 9:30 बजे तक ओपन रहता है। सही है, अभी इस समय सिटिंग ऑलमोस्ट फुल हो गई है, 9:30 बजे का टाइम है। वेट कर रहे हैं पराठा आ जाए तो नाश्ता करें, फिर हम दूध पथरी जाने वाले हैं। बस ये है कि बारिश दूध पथरी में अगर मिली ना तो आज का दिन हमारा गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा था थोड़ा सा मक्खन डाल देना पराठे पे, तो मक्खन डाल दिया इन्होंने। आलू पराठा तंदूर में बना है, टेक्सचर देख के लग रहा है कि टेस्ट अच्छा होगा। नाइस, ओ गदर, स्टफिंग तो अच्छी है। वेरी टेस्टी। और सबसे बढ़िया मालूम है क्या, परांठे के अलावा थोड़ी सी हरी चटनी लगा लो, मक्खन तो है साथ में दही के साथ। अगर हम यहाँ पे आने में 10 मिनट लेट हो जाते हैं ना तो हमें कम से कम 15-20 मिनट की वेटिंग करनी पड़ती। दूध पथरी अभी 10 किलोमीटर दूर है। हम लोग ना जैकेट लेने के लिए रुके हुए हैं, तो आप हमें जैकेट दे दोगे और जूते भी दे दोगे? यस सर। तो उसे गीले नहीं होंगे? नहीं, उससे गीले नहीं होंगे सर। यार वैसे बरसात इतनी ज्यादा तेज हो गई है। हाँ सर। अच्छा हो गया हम आपके पास रुक गए, नहीं तो कैसे होता। हाँ सर, है ना, ये बात है। तो कहाँ है जूते? यहाँ पे सर। ठीक है सर, ओके एकदम। हाँ साइज सही लिया है। हाँ ये जैकेट मस्त है। तो ये आज तो बारिश हो रही है, हाँ। तो इसके लिए हम रुक गए। वैसे आम तौर पे टूरिस्ट यहाँ ये क्यों लेगा? क्योंकि ये पॉइंट है ना, यहाँ पे यहाँ से आगे शॉप नहीं मिलेगी आपको। नहीं बट जब बारिश नहीं है तो कोई ये क्यों लेगा? अच्छा फिर कहाँ लेते? फिर तो नहीं लेगा, नहीं तो स्नोफॉल में लेगा। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, डन डन। हाँ मुझे समझ आ गया, बाकी तो कर लेगा। ठीक है डन। चलो जी, जैकेट ले ली गई है। वैसे ये लोग लेते हैं 500 रुपीस, तो हमें कह रहे हैं कि आपका थोड़ा ग्रुप है तो उस हिसाब से 400 रुपीस पर पर्सन। तीन चार किलोमीटर आगे चलने के बाद ना अभी हम रुके हैं मक्की की रोटी खाने के लिए। आपके पास क्या क्या है? सर हमारे पास है मक्की का रोटी, सरसों का साग और प्याज का चटनी और पिकल। अच्छा, की रोटी के साथ। तो साग का सरसों का है या यहाँ का लोकल साग होता है? साग यहाँ का लोकल, जिसको कड़म साग बोलते हैं सर। हाँ कड़म। हाँ कड़म तो शायद हिंदी बोलते हैं, हाक साग बोलते हैं। हाक हम कश्मीरी में उसको हाक बोलते हैं। वैसे कड़म? हाँ वैसे कड़म। कहाँ पर है ये? अच्छा वेरी गुड, तो लग रहा है अभी अभी हाल में बना। हाँ। तो भाई हमें मक्की की रोटी और ये दे दो, साथ में क्या कावा है आपके पास? कावा भी है सर, कावा दे। बेस्ट है। इतना खूबसूरत व्यू देखते देखते
आप मक्की की रोटी खा रहे हो साथ में साग पिकल, क्या बात है, मतलब सेकंड बाय सेकंड आप एंजॉय कर रहे हो, ऐसी मेरे को फीलिंग आ रही है यहाँ पर आके। 5 मिनट हो आए हो, ज्यादा समय नहीं हुआ, गजब है भाई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं एक्चुअली श्रीनगर से। अच्छा जी सर, तो यहाँ कैसे, टूरिस्ट के साथ? टूरिस्ट के साथ, एक्चुअली मैं भी टैक्सी ड्राइवर ही हूँ, तो अभी अपने एक क्लाइंट को लेके जा रहा हूँ दूध पार्टी। मक्की की रोटी ना जी सर, वैसे सर्दियों में ज्यादा खाई जाती है और इस समय तो यहाँ सर्दी चल रही है, मजा आ गया सर। एक्चुअली देखिए, आप लोगों ने कई बार 5 स्टार 7 स्टार में खाया होगा, वहाँ पे कुक्स जो रहते हैं हाई फाई रहते हैं, ठीक है ना। ये जो आप अभी खा रहे हैं यहाँ के लोकल, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेडीज बना रही है खुद अपने हाथों से, तो इसका टेस्ट अलग ही है, ये घर का स्वाद है जी सर, ये सर घर का है। अच्छा एक चीज और है, साथ में इन्होंने जो अचार दिया ना, चटनी दिया जी सर, ये मूली की चटनी है, मूली और प्याज की चटनी है। मूली और प्याज की चटनी है जी सर। नाइस, वेरी गुड टेस्ट, मजा आ गया। वैसे तो ये व्यू देखकर कोई भी इंप्रेस हो जाएगा, और साथ में आपको ऐसा नाश्ता मिल जाए तो और क्या चाहिए। आओ जैसे व्यू देखेंगे, वाओ सो गुड। बादल को कितनी नजरों के सामने देख रहे हैं ना जी सर, अभी तो हमें जाना है इन बादलों में, आगे चल कर बढ़िया लगेगा जी सर। अभी तो ये कुछ भी नहीं, ये तो समझ लीजिए ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है जी सर। मजा आ गया भाई, थैंक यू सो मच सर। आप लेंगे कुछ? मैं थैंक यू। अच्छा कितना खूबसूरत मीडो है, मजा आ गया। अभी बरसात चल रही है तो बीच में जगह जगह पानी भी इकट्ठा हो गया, जैसे वो सामने। एक काम करते हैं, थोड़ा सा वॉक करके ना ऊपर जो पार्किंग बनी हुई है ना वहां तक चलते हैं। तो भाई आप यहाँ पर क्या काम करते हो? मैं घोड़ा चलाता हूँ सर यहाँ पे। अच्छा हाँ सर, तो टूरिस्ट को आप कहाँ कहाँ लेके जाते हो? यहाँ आसपास में 5-6 जगह है, दूध पथरी में सुखनाग है, सोसली पथरी है, ऋषिकाल है और शालीगंगा रिवर है, 5-6 जगह हम टूरिस्ट को घुमाते हैं सर। तो ये सारे पॉइंट कितनी कितनी दूर है? ये 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सर सारे स्पॉट। अच्छा तो आप लोग क्या चार्ज लेते हो घोड़े पे? यहाँ 500 वन आवर का है सर, कितने देर तक घूमेगा उस हिसाब से उनकी चार्जेस लगेंगे सर। समझ गए, घंटे के हिसाब से है? बिल्कुल सर, मैंने भी पता लगाया था, अगर आप ATV में जाना चाहते हो ये 5-6 पॉइंट्स, तो वो लोग 2500 रुपीस का चार्ज लेते हैं, जिसमें आप 2-3 घंटे घूम सकते हो। बाकी घोड़े का चार्ज तो पता लग गया, 500 रुपये 1 घंटा इन्होंने बताया। तो भाई काम करते हैं, ये अभी हम पार्किंग साइड हमने देख ली है और अब हम वापस नीचे उतरते हैं, थोड़ा मिडो में घूमेंगे और उसके बाद हम लोग वो झरना देखने जाएंगे। बहुत यहाँ से कितना, 3 किलोमीटर है? 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है सर। चलो बिलाल भाई धन्यवाद। धन्यवाद सर, ठीक है, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। दूध पथरी विजिट करके ना दिल खुश हो गया। सामने देखो बादल मिडोज के ऊपर कैसे धीरे धीरे चल रहे, धीरे धीरे नहीं चल रहे, अच्छी खासी तेज रफ्तार में बादल मूव कर रहे हैं, और कम से कम 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। ऐसा है वैसे हार्डली 100 मीटर्स दूर है या 150 मीटर्स दूर है, मैं वहां चले जाऊंगा तो बादलों के बीच में आ जाऊंगा। कुछ देर पहले ऊपर बादल दिख रहे थे और अब एकदम नीचे आ गए, वाह जी वाह, दिल खुश हो गया। यहां पर आके मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि अगर आप श्रीनगर घूमने आए और आप दूध पथरी नहीं आते तो समझ लो आपने एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन मिस कर दिया। वैसे तो यहां आकर करना क्या चाहिए कि आप एक पोनी राइड कर लो, सारे पॉइंट्स देखो पोनी पे, ये फुल डे अफेयर है अपने आप में, 2 घंटे का सीनिक व्यू नहीं है। अब मेरी तो सर्जरी हुई थी इसकी वजह से मैं पोनी पे नहीं बैठ सकता, लेकिन कायदे से
पोनी राइड करो, अगर आपको पोनी राइड मन नहीं है तो जितने डेस्टिनेशन पैदल जा सकते हो जाओ, गाड़ी में आप एक जगह जा सकते हो जहां हम अभी जाने वाले हैं, यहां ज़्यादा रुकते नहीं तो ऐसा होगा रिवर पॉइंट पहुंचेंगे और तेज बरसात आ गई तो फिर हम वो व्यू देख नहीं पाएंगे जो बिना बरसात के देख सकते हैं। आओ फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और आगे चलते हैं। तीन किलोमीटर का सफर करके हम शाली गंगा रिवर पॉइंट के पास तो आ चुके हैं और यहाँ ना पार्किंग स्पेस उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। यहां से देखो जी मजा तो इधर से आ रहा है, हाइट से देख रहे हैं ना, रिवर का करंट तो यहीं से देख के महसूस हो रहा है कितना ज्यादा तेज है और सारे टूरिस्ट वहां खड़े होकर फोटोग्राफी कर रहे हैं। वो मेन यहाँ का फोटोग्राफी पॉइंट है और इतनी सारी चट्टानें बड़ी छोटी उनके बीच से नदी पत्थरों पर टकराती हुई क्या रफ्तार में आगे बढ़ रही है। आओ थोड़ा नजदीक में चलते हैं। पहले मैं सोच रहा था वहां से देखे, फिर जब देखा ना ये लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है तो मैं ब्रिज के इस पार आ गया हूँ। उस तरफ को वहां पर बर्फ है ठीक है और नदी की रफ्तार गजब है, टू गुड। अब ये पूरा ना बड़ी बड़ी चट्टाने हैं तो अगर कोई करना चाहे तो कदम रख के थोड़ा आगे तक आप जा सकते हो और वहां जाके आपको एक डिफरेंट व्यू देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं वहां जाने का वेंचर नहीं करना चाहता लेकिन इतना तो यहां के समझ आ गया, दूत पथरी रॉक्स। दूध पथरी से हम चले, 5 किलोमीटर का हमने सफ़र किया। शुरू में हमको बहुत सारा फॉग मिल रहा था, चलते चलते अब हम उस पॉइंट तक आ चुके हैं जो हमने मॉर्निंग में भी देखा था लेकिन यहाँ हम रुके नहीं थे। ये सामने आपको दिख रही हैं ये सारे जो स्ट्रीट फूड सेलर्स हैं, यहाँ पर मकई की रोटी और साग का कॉम्बिनेशन सेल करते हैं। अभी 3:15 बजे का टाइम है तो मुझे लग रहा है कि बेटर रहेगा हम यहाँ पर मकई रोटी और साग कॉम्बिनेशन दोबारा खा लें क्योंकि आज का हमारा लंच स्किप हो रहा है तो ये खा लेते हैं। साथ में यहाँ की नून चाय भी फेमस है, नून चाय भी पी लेते हैं और फिर हम यहाँ से जाएंगे श्रीनगर की ओर। आओ इधर ही चलते हैं। आचार और हाक साग के साथ मक्की की रोटी, कॉम्बिनेशन बड़ा गजब है, अचार हाक साग और ये ना बहुत जूसी है। अभी ना ये फिनिश करने के बाद एक बार मैं देख लूंगा सामने नून चाय कैसे तैयार कर रहे हैं, नून चाय पियेंगे और फिर हम श्रीनगर को निकलेंगे। मैंने ना मकई की रोटी लेके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं तो इन पंछियों को खिला देते हैं। तो ऐसा प्लेट रखूंगा तो आएंगी नहीं, पहले कुछ पीसेस रख देते हैं यहाँ। वाह अब एक को देखा देखिए ना बाकियों ने भी आ जाना है। अच्छा लो जी नून चाय आ गई है तो इसमें आप लोग
पानी इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते? जी हाँ, करती है थोड़ा सा पानी, कम पानी रहता है। तो ये चाय पत्ती है? जी हाँ, ये चाय पत्ती है। ये कौन सी चाय पत्ती है? नमकीन चाय पत्ती। नहीं, मेरा मतलब है ये बाजार में अलग से मिलती है? हाँ, अलग ये से मिलती है। नॉर्मल चाय जो बनाते हैं वो चाय पत्ती नहीं है? नहीं है सर। अच्छा। हाँ जी। ट्राई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, बाकी इसको दो चार बार पीना पड़ेगा इसके टेस्ट को अडाप्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें नमक का स्वाद है और चाय पत्ती का जो टेस्ट है ना बहुत डिफरेंट है। चाय ऑलमोस्ट पी ली है, 5-7 मिनट में चलते हैं यहाँ से। आधा किलोमीटर आगे जाने पे हमको जैकेट वापस करना है, पेमेंट देनी और अपने दूसरे जूते लेने हैं वहाँ से, और फिर श्रीनगर कितने बजे पहुँचेंगे? 5:30 तो कन्फर्म बज ही जाएगा। हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं। अर्ली डिनर करने के हिसाब से अभी हम लाल चौक के पास आदूस के बाहर खड़े हैं। सामने आपको दिख रहा है आदूस, तो यहाँ पर चल के हम डिनर करेंगे। यहाँ पर अच्छा वेज फूड भी मिलता है और अच्छा नॉन वेज भी मिलता है। आइए। रेस्टोरेंट में आके ना मैंने अपने लिए दो चीज ऑर्डर करी है। एक नदरू लोटस स्टेम, ये ना दही में तैयार किया जाता है और ये यहाँ की मेन आइटम है वेजिटेरियन फूड में। कश्मीर में आके किसी को नदरू बोलोगे ना, इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत फेमस है। और आलू दम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जनरली इंडिया में कहीं भी अगर आपको कश्मीरी फूड मिलेगा ना तो आप किसी को बोलोगे कि आलू दम, तो उसके नाम के आगे कश्मीरी आलू आ जाता है, क्योंकि इसका बनाने का स्टाइल बहुत अलग होता है और टेस्टी भी होते हैं। वैसे मैंने एक ही बार किसी के घर पे खाया था आलू दम, तो तब से मेरे माइंड में था कश्मीर जाऊंगा ना तो वहाँ पे आलू दम जरूर खाऊंगा। तो लो जी, थोड़ा थोड़ा आलू दम लेंगे। अच्छी प्रिपरेशन है। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था कि आलू दम में ना मीठा होगा, मतलब ग्रेवी में कुछ मीठा एलिमेंट होगा, किशमिश जैसा कुछ डला होगा, ऐसा क्यों मेरे को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। टेस्ट गुड है। साथ-साथ नदरू भी टेस्ट किया जाए। दही होने की वजह से ना ग्रेवी में फुल खटास है। वेरी गुड टेस्ट। मुझे ना आज मॉर्निंग में कोई बता रहा था कि शादियों में जब नदरू तैयार किया जाता है ना तो बड़े बड़े पीसेस काटे जाते हैं। अब रेस्टोरेंट में ऐसा बड़े बड़े करेंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे, तो यहां पर ऐसे छोटे छोटे पीसेस में देते हैं। बहुत बढ़िया। पहले नदरू को उबाल के ना सॉफ्ट कर लेते हैं, फिर ग्रेवी में ऐड कर दिया। और एक चीज ना मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो टेस्ट से नहीं समझ आ रहा लेकिन आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्राण। ये प्राण मसाला होता है, तो बेसिकली अनियन तो नहीं बोल सकते, एक रेड अनियन करके बोलते हैं इसको, तो जंगली प्याज ऐसा कुछ रहता है, मैंने देखा नहीं है। उसको फ्राई करके इसको इस्तेमाल करते हैं वाजवान की डिश बनाने में, जहाँ भी वाजवान का डिश बनेगा इसका इस्तेमाल होगा। अब मेरे पास तो ऐसी कोई एक्सपर्टीज है नहीं कि मैं खा के समझ जाऊं कि इसमें प्राण का स्वाद है नहीं है, लेकिन ऐसा सब लोग बोलते हैं कि प्राण जब डलता है ग्रेवी में तो उसका स्वाद पता लगता है। आलू दम
गुड। चलो जी, हम अपना फूड फिनिश करते हैं और कुछ देर बाद ना जब नीचे उतरेंगे, अभी फर्स्ट फ्लोर में रेस्टोरेंट है तो नीचे उतर के इनकी बेकरी है नीचे, वहां पर कुछ एकाची टेस्ट करेंगे, उसके बाद अपने होटल जाएंगे। रेस्टोरेंट से फूड फिनिश करके मैं नीचे आया तो मैंने नोटिस किया बेकरी अभी क्लोज हो चुकी है, जब मैं आया था उस समय खुली थी। एनीवेज, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो रहा है। कल का हमारा प्रोग्राम ये है कि हम मॉर्निंग में सोनमर्ग जाएंगे, कोशिश करेंगे कि 8 बजे के अंदर ही हम निकल जाएं सोनमर्ग के लिए, और शाम को लौटकर वापस हम श्रीनगर आएँ। वैसे तो अगर कोई चाहे तो सोनमर्ग में भी रात को रुक सकता है, वो बेटर ऑप्शन है क्योंकि जाने में 2.5-3 घंटे लगेंगे, आने में 2.5-3 घंटे लगेंगे। बाकी अपनी मर्जी है, हमारी मर्जी ये थी कि हम श्रीनगर में वो बेस बना के ऑपरेट करें, बाकी हर टूरिस्ट का अपना प्लान रहता है, राइट। आज का ये एपिसोड बताओ आपको कैसा लगा। दिन काफ़ी आज का इंटरेस्टिंग था, स्पेशली सुबह ब्रेकफास्ट और उसके बाद दूध पथरी, वहाँ की जर्नी सारी आपने देखी, और आज का डिनर भी हमने एंड किया डे। एक दो थॉट्स और थे मेरे माइंड में जहाँ मैं जाना चाहता था, मतलब डेस्टिनेशंस जो आज के दिन में हमारे मिस हो गए हैं। मैं चाहता था इवनिंग के समय मैं डल लेक में जाके बोटिंग करूँ, क्योंकि शाम को जो 5-5:30 बजे बोटिंग करने की फील है ना, वो बहुत अलग होती है, तो आज नहीं हो पाई। मैं परी महल जाना चाहता था, वो नहीं हो पाया। मैं चाहता था लाल चौक जाकर वहाँ पे किसी ड्राई फ्रूट की शॉप पे जाके कुछ ड्राई फ्रूट्स घर के लिए खरीद लूँ, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि सब थोड़ा प्रोग्राम हमारा लेट चल रहा था ना, तो सब चीज़ नहीं हो पाई। साथ में यहाँ पे एक चाय जाय करके शॉप है लाल चौक पे, तो मैं वो भी विज़िट नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, अभी ऐसा होता ही, हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर बहुत सारा प्लान बना लेते हैं और काफ़ी बार वो डेस्टिनेशंस विज़िट नहीं कर पाते। नो प्रॉब्लम, अभी आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। क्या क्रेजी सीन है, हमारी गाड़ी के ऊपर जितनी बर्फ थी ना वो स्लाइड होके शीशे पे आ गई और अब तो वाइपर भी नहीं चलेगा। ओह गॉड।